सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। आई एम अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल्स के बारे में। ठीक है, जनरली ये भी एग्ज़ाम में पूछता है सॉइल्स के बारे में, जैसे कि एक्सपेंसिव सॉइल आता है, एल्यूवल सॉइल आता है, रेसिडुअल सॉइल आता है। ठीक है, एक्सपेंसिव सॉइल आता है, नॉन एक्सपेंसिव सॉइल आता है, तो जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 7 नंबर में भी आ जाता है और शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो देखो सॉइल क्या होता है, सॉइल बनता कहाँ से, आपके रॉक के फॉर्मेशन से। ठीक है, बहुत सारे टाइप की वेदरिंग होती है, जैसे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, इन सब से क्या बनता है, आपका सॉइल बनता है। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होता है, आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, और हमको जनरली जब हम कोई भी हम साइट्स पे जाएंगे या फिर कोई भी बिल्डिंग हमको तैयार करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ उस एरिया का सॉइल का सैम्पलिंग करना पड़ता है, और सॉइल देखना पड़ता है कि किस टाइप के सॉइल आपके वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल के बारे में, तो उसमें आज हम पहला सॉइल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि होगा आपका क्या, एक्सपेंसिव सॉइल। ठीक है, इसी को और क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसी को क्या बोला जाता है, कोजी सॉइल। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कोजी, जैसे कि देखो दो तरह का फोर्स होता है, एक तो होता है कोजी फोर्स, दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोजी फोर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, या फिर सेम फोर्स, वो फोर्स जो दूसरे को अट्रैक्ट करता हो मॉलिक्यूल्स, वो क्या कहलाता है, कोजी फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होगा, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगे उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो कोजन को सॉइल क्या, एक जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं और स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो हो गया आपका कोजिव। ठीक है, और उस टाइप के सॉइल को क्या बोलेंगे, कोजिव सॉइल, जैसे कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको और क्या बोला जाता है, एक्सपेंसिव सॉइल। ठीक है, अब देखो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम में, एक्सपेंसिव सॉइल आर दो सॉइल विच एक्सपांड्स वैन वाटर इज एडेड एंड श्रिंक वैन वाटर इज ड्राई आउट। ठीक है, मतलब कि क्या, वो सॉइल अगर हम जैसे ही पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और जैसे ही पानी सूखता है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, ये जनरली हमको ऐसा, ये वाला जो ड्राई और ये श्रिंक वाला, जनरली आपका रेनी सीजन और समर सीजन में होता है। ठीक है, देखो, और ये हमारे बिल्डिंग्स विल्डिंग्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे हाउस के लिए, इससे हो सकता है आपका सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, सीयर फेलियर हो जाए, और आपका क्या बोलते हैं, बिल्डिंग जो है कोलेप्स हो सकता है। ठीक है, और मान लो कभी कल को किसी तरह का अंडर माइनिंग हुआ, या फिर कोई हरिकेन आया, टोर्नेडोज आया, या फिर अर्थक्वेक आया, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आया, फिर फ्लड आया, तो हो सकता है आपका, अगर आपने ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर कोई घर बनाया होगा और वहाँ पे कोई सही फाउंडेशन नहीं प्रोवाइड किया होगा, तो हो सकता है आपका घर जो है, या फिर जो बिल्डिंग्स है, वो डैमेज कर जाए। ठीक है, तो देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है उस किसके कारण होता है, जैसे कि मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात कर लिया है कि ये जो है आपका एक्सपेंसिव सॉइल की ये जो प्रॉपर्टी है स्वेलिंग और श्रिंकेज का, ये आता है आपका एक क्ले मिनरल होता है, डैट इज़ कॉल्ड माउंट मरिलो नाइट के कारण। ठीक है, अब जनरली इस टाइप का सॉइल आपका कहाँ प्रेजेंट होगा इंडिया में, ये होता है, इसको हम इंडिया में ब्लैक कॉटन के नाम से जाना जाता है, किसको, एक्सपेंसिव सॉइल का, ये हमको मिलता है लार्जली आपका सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसके बाद क्या है इसमें, अब इस सॉइल की कुछ प्रॉपर्टी होती है क्या, एक ये तो हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, दूसरा इसका जो कलर क्या होता है, डार्क ग्रे से ब्लैक में वेरी करता है। ठीक है, और जब ये सॉइल सूख जाता है तो थोड़ा स्ट्रांग माना जाता है, स्ट्रांग होता है, बट ऐसा फिर भी नॉन कोजो सॉइल से कम स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ एक्सपेंसिव सॉइल, और एग्ज़ाम में बहुत पूछता है ये एक्सपेंसिव सॉइल, और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो आप इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नॉन कोजी, नॉन एक्सपेंसिव सॉइल, या फिर नॉन कोजी सॉइल। ठीक है, इसका क्या क्या नाम बताया मैंने, नॉन एक्सपेंसिव सॉइल और नॉन कोजी सॉइल। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो मुरुम, मुरुम आप सभी जानते हो, बिल्डिंग के लिए हमारे सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्यों, इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। ठीक है, तो देखो अब इसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता कि इसमें पानी डाले तो ये फूल जाए, या गर्मी आए तो श्रिंक हो जाए, ऐसा इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो जनरली हमारे ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, अभी कंस्ट्रक्शन करने के लिए अच्छा माना जाता है, बिकॉज ऑफ हाई बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नॉन एक्सपेंसिव सॉइल या फिर नॉन कोजी सॉइल, इसका एग्जांपल आप लोग नोट कर लेंगे, डैट इज़ मोरूम। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, एल्यूवल सॉइल। एल्यूवल सॉइल हमको कहाँ मिलता है, ये जनरली रिवर बैंक्स के किनारे आपको मिलता है, जैसे कि MP, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु,
या फिर जहाँ गंगा नदी जैसे बह रही है उसके किनारे किनारे हमको मिलता है। क्यों? जो आपका वेदरिंग होता है, जब केमिकल या फिजिकल वेदरिंग होता है और रॉक टूट करके क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होकर के आता है किसी के साथ, वाटर के साथ, और क्या करता है किसी रिवर के बैंक के किनारे जाके जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूवियल सॉइल। ये आपके जो प्लांट्स व्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है सॉइल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है ये सॉइल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आपको कहाँ मिलेगा, ये रिवर बेड से रिवर बैंक के किनारे में, ठीक है। जैसे सिल्ट, क्ले, सैंड या फिर ग्रेवल्स, इसके क्या है सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एल्यूवियल सॉइल के, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो टाइप का होता है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। एक ओल्ड एल्यूवियल होता है, दूसरा, और दूसरा क्या होता है, न्यू एल्यूवियल, ठीक है। जो ओल्ड एल्यूवियल उसको हम और क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, और जो न्यू एल्यूवियल उसको क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। देखो इस टाइप का जो एल्यूवियल सॉइल होता है इसमें क्या होता है, बहुत अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में आपका पोटास या और लाइम और फॉस्फोरस एसिड होता है, जो कि आपके आइडियल होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए या फिर राइस के लिए। तो ये था आपका कुछ एल्यूवियल सॉइल, और ये कहाँ मिलता है हमको, MP, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो आप, गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये हो गया आपका एल्यूवियल सॉइल। इसके बाद आता है आपका क्या, रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, वो सॉइल या फिर जैसे कि वेदरिंग वेदरिंग हुआ, और जैसे कि मान लो कोई रॉक्स है उसकी वेदरिंग हुई, फिजिकल और केमिकल कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वेदरिंग हुआ तो क्या होगा, आपका चट्टान टूटेगा, रॉक टूटेगा, और क्या होगा, अगर टूटने के बाद उसी जगह पे वो गिर करके सेटल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। तो जैसे कि इसका डेफिनेशन क्या बनता है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ रॉक वेदरिंग आर स्टिल प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन देन सॉइल इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपके रेसिडुअल सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं या फिर उससे डिराइव होता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ आपका रेसिडुअल सॉइल। जनरली एग्जाम में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में। तो आप अभी हम यहीं पे सॉइल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम कुछ और मिसलेशनियस टॉपिक्स देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जनरली जो एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि हम ब्लैक कॉटन सॉइल में कितने किस किस टाइप के आपका फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू।